आप सभी साथियों का पुनः एक बार एमएनटी न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन हमारा खास कार्यक्रम होता है पर्सपेक्टिव। और इस पर्सपेक्टिव कार्यक्रम के अंतर्गत हम जो हमारे समाज के जो विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। और आज जो है यह कहा जा रहा है कि यह स्ट्रेन टू है और यह स्ट्रेन टू मतलब पहले ही के स्थिति से आज बहुत ही भयावह है। तो हम डॉक्टर संग्राम पाटिल से ये सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो आज जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं और ये जो कोरोना स्ट्रेन टू की बात हो रही है तो ये मतलब क्या है एग्जैक्टली, अगर हम सामान्य लोगों को बताना चाहते हैं कि सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि कोरोना जो है ये बहुत प्रिवेलेंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में नेचर में ये वायरस होता है और उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं कोरोना के। और ये जो अभी आया है चाइना से, ये दिसंबर में इसको पाया गया था चाइना में 2019 में, इसलिए उसको कोविड 19 कहते हैं। कोविड यानी ये इससे जो बीमारी हो जाती है उसका नाम कोविड 19 रखा गया है और ये कोविड 19 का वायरस होता है। इससे जो अलग अलग वायरस के टाइप्स आते हैं ये बहुत कॉमन है, मतलब हमारे जो जुकाम सर्दी जुकाम के जैसे वायरस होते हैं और वो हर मौसम में उनके अलग अलग टाइप्स आते हैं, जैसे फ्लू के आते हैं वैसे कोरोना वायरस के भी आते हैं। चाइना में जब ये डिटेक्ट हुआ था दिसंबर में, उसी वक्त काफ़ी सारे उसके स्ट्रेन आ गए थे और हम ये जो बात कर रहे हैं ये सेकंड स्ट्रेन है, तो ये सेकंड नहीं है, ये लगभग इसके रोज स्ट्रेन निकलते हैं। लेकिन जो स्ट्रेन ज़्यादा फैलता है, ज़्यादा नुकसान करता है, उसी को हम देख पाते हैं, उसी को हम डिटेक्ट करते हैं और महत्व देते हैं। तो ये जैसे WHO जो है जागतिक स्वास्थ्य संगठन, इन्होंने एक अभी जानकारी दी है, उनकी एक बड़ी टीम चाइना गई थी और उन्होंने कहा है कि ये मोस्ट प्रोबेबली एनिमल से जो खाए जाते हैं, जिनका मांसाहार किया जाता है चाइना में, ऐसे कुछ एनिमल से जिसमें बैट्स होते हैं या किसी प्रकार के कैट्स होते हैं, उनको पैंगोलिन कहते हैं, ये वहाँ के वुहान के मार्केट में खाए गए और उससे ये लोगों को फैला होगा, ऐसा एक मानना है। या वुहान के भी पहले और कहीं ये फैल गया होगा और उसकी अलग स्ट्रेन वुहान में पाई गई और वहाँ से ये बड़ा इसका विस्फोट हो गया। तो ये कहीं से भी आया हो, लेकिन सच बात यह है कि ये आया है और जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होते हैं उनके द्वारा ये भारत में भी आ गया है और ये डेली बदल रहा है। और अभी जो हमारी सेकंड वेव आ गई है, दूसरी लहर आई है, ये इस खास वायरस के स्ट्रेन की वजह से है इंडिया में, जिसको महाराष्ट्र के विदर्भ में पाया गया था, जिसको इंडियन स्ट्रेन कह रहे हैं, कोई इसको अमरावती का स्ट्रेन कह रहे हैं, तो इसकी वजह से ये फैल रहा है। तो ये ज़्यादा क्यों फैलते हैं वायरस, जैसे बदल जाते हैं तो हमारे जो अंदर की जो स्किन होती है, सांस नली का जो है, एयरवे की, नाक की या गले की, उसके अंदर जब ये बैठते हैं वायरस तो पेशी के अंदर इनकी एंट्री इजी हो जाती है। तो ये इजी होने की वजह से इसका संक्रमण बढ़ जाता है और कभी कभी ये फास्ट अंदर इनका प्रजनन होता है, रिप्लिकेशन होता है, तो हमारे छींक द्वारा या खांसी द्वारा ये ज़्यादा फैल जाते हैं। तो उसका वायरल लोड हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो कुछ वायरस ज़्यादा आसानी से मनुष्य के शरीर में जाते हैं और ज़्यादा इनके प्रोडक्शन होने की वजह से इसका वायरल लोड जो दूसरों को फैलाते हैं ये भी बढ़ जाता है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो छींकने के, खांसने के बाद हवा में, जो हम 2 मीटर की जो दूरी कहते हैं, 5 फुट दूर रहिए लोगों से, 6 फुट दूर रहिए, तो इसमें ये ज़्यादा देर तक हवा में रहते हैं। या किसी अगर ये सरफेस पे गिर गए ड्रॉपलेट के द्वारा तो वहाँ पर ज़्यादा समय तक एक्टिव रहते हैं, तो इसके लिए ये ज़्यादा फैलते हैं। तो अभी जो वायरस है, ऐसे साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि ये 50-60% ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा फैल रहा है। तो ये सेम वायरस है, इसकी बीमारी भी वही हो रही है, इसकी बीमारी जो हो रही है ये कुछ ज़्यादा खतरनाक है ऐसा नहीं है, ये सेम डिग्री, सेम सीवियरिटी की बीमारी है, लेकिन ये फैलता ज़्यादा है। तो इससे ज़्यादा लोग एट ए टाइम एक ही समय पर बीमार हो जाते हैं तो फिर ये हमारे स्वास्थ्य सेवाओं पर बर्डन आ जाता है और जो लोग सीरियस होते हैं उनको फिर सेवा नहीं मिल पाती है। तो आई होप इससे आपको एक्सप्लेन हो कि वायरस का ये जो स्ट्रेन है और अलग अलग जो स्ट्रेन होते हैं ये क्यों ज़्यादा इसकी अहमियत होती है इस परिस्थिति में। आज सबसे पहले
मतलब अगर ये स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और स्वास्थ्य सेवाएं भी उस प्रोपोर्शनेट में अगर हम नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे हालात में सावधानी के तहत आज जो सामान्य आदमी होता है या सामान्य मनुष्य होता है, उसने क्या सबसे पहले करना चाहिए? तो आपने जो सावधानी की जो बात पूछी है कि हमें कोरोना वायरस या और कोई भी वायरस जो हवा से फैलते हैं, हवा के ड्रॉपलेट से फैलते हैं, या हमारे किसी चीज़ को छू लेने से हमारे नाक या मुंह में आ सकते हैं, ऐसे किसी भी वायरस को सिर्फ दो बातों का सबने ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि यह सांस से आ रहा है और हमारे सांस से बाहर जा रहा है, हम छींकते हैं, खांसते हैं या सिर्फ बोलते हैं, तो अगर हमारे आसपास कोई खड़ा है या खड़ी है तो उनको ये वायरस चला जाता है। तो इसका मतलब हमारी जो सांस की जो एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, उसको हमें रोकना है, तो आप मास्क लगाओ। दूसरी जो बात है, ये सांस से आजू बाजू में हमारे 5-6 फीट पर अंत ये दूरी है, इस पर यह फैल जाता है। इसका मतलब है कि हमें लोगों से दूरी बनाए रखना है। तो ये लोग कौन? बाहर के लोग। और अगर किसी को घर में ऐसे लक्षण आ जाता है, बुखार या खांसी हो जाती है ऐसे माहौल में, तो उनसे भी हमें दूरी रखनी है। तो आप 6 फुट की दूरी लोगों से बनाए रखें, ताकि वो अगर छींके भी, खांसे भी और बात भी करे, चिल्लाए, तो भी आप उसके वायरस की कक्षा में ना आ पाए। और दूसरा, और अगर आप ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो मास्क पहने, ताकि उनके जो ड्रॉपलेट से आप वो अपने सांस के अंदर ना लें। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी जो बात है जिससे वायरस शरीर में आ सकता है, वो है हमारे हाथ। तो ये हाथ अगर हम कहीं टच कर देते हैं, जैसे कोई बस में चढ़ गए, ट्रेन में चढ़ गए, या अस्पताल चले गए, कहीं भी चले गए, और वहाँ पर हमने टच कर दिया, और वही हाथ, हमें तो आदत होती है नाक को टच करना, मुंह में रहना या आँखों को खुजाना, तो ये तीनों हमारे एंट्री पॉइंट है। हमारे हाथ से ये वायरस यहाँ पर एंटर हो जाएगा। तो ये हाथ का भी ख्याल रखे, इसको बार बार धोते रहे, एक तो सैनिटाइज कीजिए, या फिर सोप, हमारा जो नॉर्मल नहाने का साबुन है, उससे 20 से 30 सेकंड तक उसका फेस बनाकर हाथ साफ कर लीजिए, जहाँ जहाँ पर आपने टच किया है वो। तो ये दो चीज़ें हैं। भीड़ में अगर आप गए लोगों के साथ, तो आपको वहाँ पर किसको कोरोना है, किसको लक्षण है नहीं है, कभी पता नहीं चलेगा। तो भीड़ में नहीं जाना है, लाइन्स में नहीं खड़े होना है। अगर लाइन में खड़े हो रहे हो तो 2 मीटर की दूरी बनाए रखे, मास्क पहने, कहीं भी टच ना करे, अपने पॉकेट में हाथ डाल ले या हाथ को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, ये सबसे सेफ है। तो ये बात हमें जरूर जरूर याद रखना है। और अगर कहीं जाना पड़ता है मजबूरी की वजह से, तो लोगों को मिले लेकिन ओपन हवा में मिले, खुली हवा में, और दूरी बनाए रखे, वहाँ पर भी मास्क पहने। लोगों को घर के अंदर बंद कमरे में ना मिले, अगर मिलना भी पड़े तो खिड़कियाँ खुली रखे, ताकि ये हवा की जो फ्लो रहेगी उसमें ये वायरस का प्रभाव कम हो जाएगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा, तो हमें रिस्क कम हो जाएगा। ये हमें सावधानियां बरतनी है। आज जिस परिस्थिति से या जिस तरह से कोरोना बहुत बड़े पैमाने पे फैल रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में जब हम कोई सिम्टम्स सामान्य आदमी के ध्यान में आ जाता है, तो ये सिम्टम्स के तहत अगर उसको ध्यान में आ जाता है और वो कहीं इसका कंफर्मेशन करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए भी अगर जाता है, तो लगभग 4 से 5 दिन उसका रिजल्ट आने में लग जाता है। तो ऐसे केस में बेसिकली इसका जो मेडिकेशन कोर्स चालू हो जाना चाहिए था, वो कोर्स में भी उसमें देरी हो जाती है। तो एक सामान्य आदमी ने, मतलब अभी वो बाहर भी जाता है तो आमतौर पे देखते हैं कि मतलब वो जो गवर्नमेंट टेस्टिंग सेंटर से वहाँ पे सिर्फ 50 टोकन ही इशू करते हैं, और उसके बाद में वो लेते भी नहीं है, उसके बाद में 4 से 5 घंटा लाइन में भी खड़ा रहना पड़ता है। तो पहले ही जो मतलब मेडिकली अनफिट है, वो सारी इन परिस्थिति से जब गुजरता है तो और ज्यादा परेशानियां होती है। तो ऐसे केस में अगर वो इस तरह के जो सिम्टम्स है जो आपने पहले बताया, उन सिम्टम्स को अगर वो ध्यान में आता है, तो इमीडिएट एक्शन उसने या मेडिकेशन के तौर पे उसने क्या करना चाहिए? एक बात हमें ध्यान में लेनी चाहिए कि मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। जब मुझे कोविड हो गया था पिछले साल, पहले जो हमारी लहर आई थी, तो मैं और मेरी वाइफ नुपुर दोनों को हमें कोविड हो गया था, और हमने जब टेस्ट कराया तो टेस्ट का रिजल्ट आने में हमको भी 5 दिन लगे थे। मुझे 5 दिन के बाद रिजल्ट मिला था, लेकिन तब तक मैं सिर्फ घर पे बैठा हुआ था। मुझे क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं ये कुछ ज़्यादा नहीं थे, मॉडरेट
ग्रेड के थे, तो इसमें लक्षण जो होते हैं अलग अलग सिवियरिटी के, उसकी गंभीरता जो है ये अलग अलग होती है। तो हमें टेस्ट के रिजल्ट के लिए या टेस्ट के लिए बेचैन होने की ज़रूरत नहीं, अस्वस्थ होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपको लक्षण आते हैं इस टाइम पर, अगर आप किसी को बुखार आ जाता है, गला दुखता है, खांसी शुरू हो जाती है, इसका मतलब आपको कोविड है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चल रहा है आजकल हमारे समाज में, देश में, आजू बाजू के वातावरण में कोविड चल रहा है। तो ये कोविड है, आप बस जाके जब टेस्ट करा सकते करा लीजिए, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको क्या करना है। तो ये बात समझिए कि कोविड जो है, आप 90% लोगों को कोविड की कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं लगेगी, 100 में से 10 लोग ऐसे रहेंगे कि जिनको कुछ ना कुछ डॉक्टर की ट्रीटमेंट लगेगी। आज हल्का सा बुखार है, खांसी है, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से जी रहे हो, खाना खा रहे हो, आपका काम कर पा रहे हो, नहा धो रहे हो, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लक्षण कौन सी गंभीरता के है, सिवियरिटी क्या है, आप एसिम्प्टोमेटिक है, कुछ लोग किसी पेशेंट के संपर्क में आ जाए तो वो चेक कर लेंगे और वो पॉजिटिव आ जाएंगे, लेकिन उनको लक्षण तो कुछ भी नहीं है, तो इनको एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 2 हफ्ते तक आपको आइसोलेट करना है, घर के एक कमरे में, एक कोने में आपको आइसोलेट करना है। अगर घर में ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप कुछ भी कीजिए, किसी कोविड सेंटर में आइसोलेट हो जाइए, या किसी जो खाली खाली घर पड़ा है वहाँ चले जाइए, आपके खेत में कई घर होगा, रूम होगा, जहाँ पर आपको कोई खाना ला के देगा, आप वहाँ चले जाइए, लेकिन 14 दिन आपकी वजह से दूसरों को संक्रमण नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है। अगर आपको कुछ लक्षण है माइल्ड, तो माइल्ड किसे कहते हैं, जैसे हमें कभी कभी काम पर जाना होता है, लेकिन उस दिन सुबह हम उठते हैं तो हमें लगता है कि आज तो कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन मुझे काम पे तो जाना है, कि मैं इतना भी नहीं बीमार हूँ कि मुझे काम पे नहीं जा सकता हूँ, तो हम चले जाते हैं। तो लक्षण अगर आपके ऐसे हो कि आप नॉर्मल एक्टिविटी कर पाते हो, थोड़ा बहुत एक कमजोरी लगती है, थोड़ा सा हल्का सा बुखार है, लेकिन आप नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हो, इसका मतलब आप माइल्ड है। अगर ये अगर माइल्ड लक्षण है तो आपको कुछ भी इसमें ट्रीटमेंट है ही नहीं कोविड की, और ज़्यादातर लोग तो माइल्ड ही होते हैं। तो हल्का सा बुखार है, आप पैरासीटामोल की गोली खा लीजिए या ब्रूफेन की गोली खा लीजिए, अगर आपको वो हजम होती है तो बस वही करना है, टेस्ट दे दो, घर पे आराम करो, खाना खाओ, आराम करो, थोड़ा बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, सांस सांस के जो व्यायाम होते हैं हल्के से अगर कर सकते हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि करने ही चाहिए। मॉडरेट अगर आपको लक्षण आते हैं मध्यम प्रति के, जिसमें आप सुबह उठते हो लेकिन सोचते हो कि आज मुझे तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं काम पर जा नहीं पाऊंगा या जा नहीं पाऊंगी, और आप डिसीजन लेते हैं कि मैं आज घर ही रहूंगा, तो मतलब आप जो आपका काम है ऑफिस का, या जहाँ भी आप काम करते हैं कारखाने में, वहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे ठीक से, आप घर पे ही रेस्ट करते हो, लेकिन घर पे तो आप, आपके बच्चे हैं तो उसको उसका उनका काम करते हो, खाना वाना भी बना लेते हो, लेकिन फिर भी आप ऑफिस नहीं जा रहे हो क्योंकि आप उतने ठीक नहीं है, तो ये मॉडरेट हो गया। इसमें भी आपको कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है कोविड के लिए, ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट इंडिया में नहीं है जो आपको दे तो आप सीवियर नहीं होंगे, या आपको दे तो आप ठीक हो जाएंगे। इसमें ये जो दो भी दवाएं इंडिया में दी जा रही है, ये तो बस डॉक्टर लोग प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहे हैं पूरा पन्ना पकड़ के। मैं इस पर कई बार बोल चुका हूँ कि ये जो पेज फुल ऑफ मेडिकेशन दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको कोई मेडिकल साइंस में एविडेंस नहीं है। आजकल फैबिफ्लू की गोली सबको लिख के देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन की गोली, एजिथ्रोमाइसिन की गोली, फिर एक पैंटोप्राजोल, एक एसिडिटी की, एक मल्टीविटामिन की, ये किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। सादा पैरासीटामोल लो या ब्रूफेन लो, आपको अगर बदन में दर्द हो रहा है, शरीर में बुखार सा लग रहा है, गला दुख रहा है, थोड़ा सा गर्म पानी के गार्गल्स गले के लिए कर लो, हल्दी का दूध पी लो अगर आपको पसंद है, दिन में एक बार या 2 बार, ज़्यादा नहीं पीना है, ये बस मॉडरेट अगर आप है तो ये करना है। अगर आपको सांस लगना चालू होता है और चक्कर आते हैं, उठ बैठ भी नहीं पा रहे हो, मतलब आप सीवियर हो, आपको हॉस्पिटल में दवाखाने में जाके वहाँ पर छाती का एक्सरे करा लेना चाहिए। टेस्ट तो हो ही रही है, टेस्ट का आप रिजल्ट वेट कर रहे हैं, लेकिन मीनवाइल आप एक्सरे करा लीजिए, सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं है, ये गलत है सीटी स्कैन करना। उठ है ना, लोग आते हैं और सबको सीटी स्कैन किया जाता है, ये गलत है मेडिकल साइंस में। मैं 15 महीने से ICU का डॉक्टर हूँ, कोरोना के ICU में काम कर रहा हूँ, हम लोग ऐसे सीटी स्कैन नहीं करते हैं, हम लोग ऐसे दवाई नहीं देते हैं माइल्ड मॉडरेट केसेस को,
सीवियर केसेस में अगर आपको एक निमोनिया निकलता है एक्सरे पर और आपका सैचुरेशन ये कम आ जाता है, 93 से भी कम हो जाता है, तो फिर आपको ऑक्सीजन लग सकती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन से आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन होती है, 93 से ऊपर आ जाती है और आप धीरे धीरे रिकवर होते हैं, तो बस ऑक्सीजन लगेगा, इससे ज़्यादा कुछ लोगों को और हेल्प लगेगी। लेकिन ऐसी हेल्प लगने वाले सिर्फ 3-4% लोग होंगे, 100 में से 96-97% इनको कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं लगेगा। और ये 3-4% जो लोग हैं इनको ऑक्सीजन लगेगा, कुछ लोगों को बाईपाप का जो टाइट फिटिंग मास्क होता है वो लगेगा, कुछ लोग उस पर भी नहीं संभल पाएंगे, तो 1-8% लोग ऐसे होंगे कि जिनको वेंटिलेटर लगेगा, और अगर वो टाइम पर नहीं मिल पाया तो फिर वो रिस्क में आ जाएंगे। और अगर वेंटिलेटर पर कोई चला जाता है तो इंडिया जैसे जो अभी हेल्थ सिस्टम है, जिस तरीके की हम ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन लोग ऑक्सीजन पे या टाइट फिटिंग मास्क पे रिकवर हो जाते हैं, ज़्यादातर लोग उससे भी बाहर आ जाते हैं। तो ये हमें समझना होगा कि 100 में से सिर्फ 3-4% लोगों को ये सब लगता है, जिसके लिए हम भागदौड़ कर रहे हैं। रेमडेसिविर चलता नहीं है, ये लाइफ सेव नहीं करता है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे 2-3 दिन आप जल्दी रिकवर हो जाते हो, बस इतना ही, इसके लिए कोई ज़्यादा एविडेंस नहीं है। अगर आपको रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, कोई चिंता मत करिए, मैंने रेमडेसिविर पिछले 6 महीने में मेरे एक भी पेशेंट को नहीं दिया है, मैं ICU का डॉक्टर हूँ, ये बात समझ लीजिए। तो ये सब अगर आप बात ध्यान में लो, तो ये जो टेंशन चल रही है ये नहीं आएगी कि भाई कोविड हो गया है, आराम करो, टेस्ट आएगा तब आएगा, मुझे लक्षण क्या है, एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या क्रिटिकल। क्रिटिकल यानी जिसको वेंटिलेटर है, किडनी का मशीन लगेगा, डायलिसिस लगेगा, ये बहुत कम लोग सीरियस होते हैं। और मरने वालों का आंकड़ा है 1 1000 में 1 या 10000 में 1। सो 1 से 10000 में 1 आदमी की मौत होगी, तो क्यों डरना है? इतने तो लोग ट्रैफिक में मर जाते हैं, इतने तो लोग मलेरिया से मर जाते हैं, इसका कोई ज़्यादा डर का माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप दिस हेल्प्स यू। या थैंक यू सर। सर अभी जो मतलब ओवरऑल आपने बातें कही है, और जिस तरह से मतलब आमतौर पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप और जो फेसबुक और जितना भी ये मीडिया है, इस मीडिया के तहत ही आमतौर पे लोगों तक जानकारी जाती है और ये मीडिया पर ही लोग भरोसा करते हैं। और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जितनी ज़्यादा भयावह स्थिति इस सोशल मीडिया ने या मीडिया के माध्यम से की गई है या की जा रही है, या ये भय की वातावरण एक प्रकार से एक ऐसा बलून टाइप क्रिएट किया गया है, जिसके वजह से मतलब हर घर में हर आदमी चिंतित है, हर आदमी बेसिकली इससे एक भयमय स्थिति में है। तो ऐसे हालात में वो जो इस क्योंकि हमेशा सबसे यही सुनने को मिलता है, अरे रेमडेसिविर नहीं मिली इसलिए उसकी उसकी डेथ हो गई, अरे फेविप्रिल नहीं मिला या उसको कोई पर्टिकुलर टैबलेट नहीं मिला इसलिए उसका ये हो गया होगा। तो ये जो मतलब सारी चीजें हैं, और एक तरह से दूसरा तरफ हम लोग ये भी देखते हैं कि इवन इस तरह की सिचुएशन क्रिएट भी की जाती है कि मतलब नहीं, रेमडेसिविर यहाँ से मिलेगी, वहां से मिलेगी, या कई जगह 900 रुपये में मिलेगी, कई जगह 1-1 लाख में मिलेगी, मतलब ये सारा जो 1-1 लाख, 2-2 लाख या पैसों का जो खेल है बेसिकली, या जिस तरह से सोशल मीडिया में ये आ रहा है, इसकी वजह से इसे ध्यान में आ रहा है कि एक सामान्य आदमी बहुत डरा हुआ है, और वो डर की वजह से वो मतलब आधा जो उसकी बेसिकली किसी भी डिसीज की जो प्राइमरी ये होता है, वो होता है इनर उसका जो स्ट्रेंथ है या इनर एनर्जी जिसको कहते हैं, वो सबसे ज्यादा फाइट करती है। लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो ये ओवरऑल सोशल मीडिया है, उसकी वजह से उसकी आधी जो फाइट करने की शक्ति होती है वह एकदम कमजोर हो जाती है। तो ऐसे हालात में ये जो पूरा भयमय स्थिति का ये पैदा हुआ है हर सामान्य आदमी में, लोगों में, तो ऐसे स्थिति में लोगों के दिलो दिमाग से ये भय निकल जाना चाहिए। इस दिशा में आप थोड़ा सा गाइड हमारे सारे दर्शकों को और हमारे सारे समाज के लोगों को करेंगे सर? आशीष जी, बिल्कुल, ये मैं 100% सहमत हूँ आपसे कि ये जो खबरें आ रही है मीडिया से और सोशल मीडिया से, जो लोगों की चिताएं जलती हुई दिखाई दी जा रही है, और भी कई चीज तरह की चीज़ें जो हॉस्पिटल्स के बाहर कतारें लगी है, तो ये डर का माहौल इससे ज़्यादा बढ़ता है। और कोरोना में जो लोगों को हेल्प नहीं मिल पा रही है, और एक्चुअल में कुछ लोग इससे मर भी रहे हैं,
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चीज़ें हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर ये मीडिया सोशल मीडिया से जो मार पड़ रही है इंफॉर्मेशन की, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन की, मैं तो खोलता नहीं हूँ ऐसे वीडियोस, मुझे बस काफ़ी सारे आते हैं, मैं खोलता नहीं, ज़्यादातर वीडियोस मैं इग्नोर कर देता हूँ। क्यों क्यों ये दुख भरी जो चीज़ें हैं इनको खोल के आपको खुद को दुखी बनाओ, उससे स्ट्रेस हो जाओ, और स्ट्रेस से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारे हौसले कम हो जाते हैं, और हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं उसके बारे में, तो फिर क्यों उसका स्ट्रेस लेना है। और एक बात अगर हम, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब देते समय बोला था कि हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है, हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, और अगर आप ये केयर लेते हैं और इसके बावजूद अगर आपको कोविड हो जाता है तो भी उसमें मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये बात अगर हमें समझ में आ जाती है तो इसका टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें भी अगर आपको कोई बीमारियां नहीं है, आप यंग हो, तो आपको कोविड आकर चला जाएगा, जैसे जुकाम, सर्दी जुकाम आता है, फ्लू आता है, वैसे आकर चला जाएगा, जैसे मुझे हुआ था, मेरे वाइफ को हुआ था, वो आकर चला गया। हम 3 हफ्ते आराम किए, हम रोज़ राह देखते थे कि कल बुखार हो चला जाएगा, परसों चला जाएगा, और 5-6 दिन तक बुखार रहा, उसके बाद में हम ठीक हो गए, और फिर हमें रिकवर होने में 2 हफ्ते और लग गए। तो ऐसे सब लोग, मेजर जो पॉपुलेशन है, यह ऐसे रिकवर होता है। तो हमें ज़्यादा उसका माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है, खुद के अंदर अशांति कर लेंगे तो उससे इम्यूनिटी कम हो जाएगी। और ये मेन चैनल्स जो है टीवी के, ये बंद कर दीजिएगा आप, सोशल मीडिया के जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स है इसमें से बाहर आ जाइए, ये इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर उन ग्रुप्स में हो भी आप तो मत खोलिए वो मैसेजेस। मैं तो मैक्सिमम मेरे जो ग्रुप्स जिसमें मैं हूँ उनको क्लियर मैसेज कर देता हूँ, मैं कुछ पढ़ता नहीं हूँ, बस बटन दबा के सब मैसेजेस क्लियर कर देता हूँ, ताकि लोगों को, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ इसका आनंद भी होता है, उनको पता नहीं चलता हो कि मैंने मैसेजेस क्लियर कर दिए। तो हमें ये इंफॉर्मेशन, डरावनी जो इंफॉर्मेशन है, इससे दूर रहना है, दूर रखना है खुद को, हमारे बच्चों को भी दूर रखना है, और बस यू नो ठीक से आराम से सो, अच्छा खाना खाओ, एक दूसरे की हमें मदद करना है, ताकि क्योंकि इस हालात में कुछ लोगों के रोजी रोटी गई है, तो उनको हमें हेल्प करना है, क्योंकि ये दिन निकल जाएंगे और कुछ हफ्तों में तो हमें इससे बाहर आना ही है, तब तक हमें एक दूसरे को संभालना है और खुद को और फैमिली को बचाना है। बस ये दुख का समय है, ये आज सिर्फ पहली बार आया है ऐसा नहीं है, ये बार बार ऐसे समय आते हैं, महायुद्ध के समय आए, स्वतंत्रता के लड़ाई के समय आए, तो ये अभी ऐसा आया है, कुछ हफ्ते और चलेगा और उसके बाद ये सब सेटल हो जाएगा, तब तक हमें बच के रहना है। बहुत सही कहा आपने कि मतलब हमारे जो लोग हैं वो मतलब एक बार अगर भय की परिस्थिति से वो उभर कर आ जाते हैं, अगर ये इससे मतलब डरावनी जो परिस्थिति का निर्माण होता है उसको अगर समझ में आता है तो निश्चित तौर पर वह इस परिस्थिति से हम लोग बाहर में आएंगे। तो सर इसमें अभी वर्ल्ड वाइड हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इससे उभरने के लिए या इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए या लोगों को इससे और ज़्यादा मतलब इसके खिलाफ में तैयार करने के लिए इस वैक्सीनेशन का भी काफी हद तक ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इसका ड्राइव चल रहा है। तो इसके बारे में आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में हैं और आप इस पर्टिकुलर एरिया में भी कार्यक्षेत्र है, कार्य कर रहे हैं। तो अभी भारत में बोलो या भारत के बाहर भी जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है उसमें लोगों ने किस तरह से मतलब उसको लेना चाहिए, उसका कितना सीरियसनेस है सर? देखो, मैं यहाँ पर इंग्लैंड में काम करता हूँ, वेल्स में काम करता हूँ, जो इंग्लैंड के बाजू में है, और यहाँ के सरकार ने हम लोगों को सबको वैक्सीन दे दिया है जो काम करते हैं, और एडल्ट जो पॉपुलेशन है 40 साल के ऊपर, 40-45 के ऊपर, इनको लगभग सबको अब वैक्सीन लग गई है, और अब जो उसके नीचे है 45 के, उनको भी वैक्सीन लगने वाली है, जुलाई तक सबको वैक्सीनेशन हो जाएगा। और यहाँ जो एडल्ट, जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जो कोरोना वॉरियर्स है, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेस, इनको वैक्सीन लगने की वजह से यहाँ पर कोरोना की जो डेथ होती थी, हजार हजार, डेढ़ डेढ़ हजार लोग मर जाते थे कोरोना के लहर में, वो सब बंद हो गया। अब इतना उसका असर आ गया है वैक्सीन का कि लोगों का संक्रमण रुक गया है, तो यहाँ पर अब इकोनॉमी खोल दी है, स्कूल पिछले 1-1.5 महीने से स्कूल खोल दिए हैं, और हम मार्केट में जा सकते हैं, लोग अब वेल्स से इंग्लैंड में जा सकते हैं, तो ये सब अब खुल रहा है धीरे धीरे,
और मई के मिड तक ये पूरा इकोनॉमी खोलने का इनका इरादा है। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन किया था, लॉकडाउन के दरमियान जो लोग जितने बचा सकते थे उनको हमने बचाया यहाँ पर, और उसी दरमियान वैक्सीन एकदम एग्रेसिवली लोगों को दिया। वैक्सीन जान बचाता है, वैक्सीन से संक्रमण कम होता है, ये अब इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं है, इसका ये बियॉन्ड डाउट साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। और हम तो साइंस की बात सुनेंगे, हम यहाँ वहाँ की सोशल मीडिया की अफवाह की वैक्सीन ये फार्मास्यूटिकल का षड्यंत्र है, या वैक्सीन ये जेनेटिक चेंज करता है इससे सब लोग नपुंसक हो जाएंगे, ये तो अफवाह है। वैक्सीन जान बचाता है, ये हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने अब तक हमें बताया है कि पोलियो से हम मुक्त हो गए, बहुत सारी जो बीमारियां थी उनसे हम मुक्त हो गए। ये कोरोना का भी यही एक स्ट्रांग इलाज है कि हमें वैक्सीनेट करना ही होगा, नहीं तो ये संक्रमित करते रहेगा लोगों को और लोग मरते रहेंगे। अगर आपको कोविड ऑलरेडी हो गया है कि और उससे आप बाहर आ गए, तो आपको अच्छा प्रोटेक्शन मिल गया है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप वैक्सीन लीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा दिन तक और बनी रहे। और वैक्सीन के लिए जो अलग अलग किस्म की गलत फहमियाँ फैली है समाज में कि औरतों को अपने जो पीरियड्स होते हैं, माहवारी आती है, उसके 5 दिन पहले और बाद में वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, ये सब गलत है। आपको ऐसी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन से 1 या 2 दिन तक आपको हल्का सा बदन दर्द, सिर दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को फीवर भी आता है, बुखार भी आता है, तो आप बस वो पीरियड चलते हैं उस समय में नहीं लिया तो चलेगा, लेकिन उसके आजू बाजू आप ले सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ की एलर्जी है तो भी आप वैक्सीन ले सकते हो, क्योंकि आपको वैक्सीन की एलर्जी नहीं है, वैक्सीन तो नई दवा है, तो आपको वैक्सीन की जब दवा लेंगे तभी पता चलेगा कि इससे एलर्जी है, तो आप सेकंड डोज मत लीजिए उस वैक्सीन का, खुद को बचाए रखिए। लेकिन एक डोज से भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो एक डोज से लगभग 70-75% प्रोटेक्शन होता है, और इसके बावजूद अगर कोविड का बीमारी हो गई तो उसमें ये माइल्ड होती है, इसमें जान जाने का धोखा बहुत कम होता है, ये भी साइंटिफिक है। तो वैक्सीन के बारे में कोई भी गलत फहमी नहीं रखना है। आपका वैक्सीन हो गया तो आपके बाजू वालों का देखिए, उन्होंने टीका लगवाया कि नहीं, क्यों नहीं लगवाया, उनको हेल्प कीजिए, उनका नंबर लगवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, और सबने वैक्सीन लगाना ही चाहिए, तब हम फ्रीली फिर सेफली बाहर आ सकते हैं, और जब दुनिया खुल जाएगी तो हम भी उसके लिए रेडी रहेंगे। जी सर, साथ ही साथ में ये वैक्सीन को लेके मतलब जिस मतलब बहुत तरह के लोगों में संभ्रम है कि ये वैक्सीन लेना चाहिए, वो वैक्सीन लेना चाहिए, कोई बाहर के देश की आएगी, कोई स्पुटिन आएगी, कोई फाइजर आएगी, या वो अच्छी है, ये इसमें मतलब बेसिकली ये सारी चीज़ें समाज के अंदर जो सोशल मीडिया है उसमें फैलती है। और दूसरे ये भी देखा गया है कि खासतौर से जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको पहले से ही वो काफ़ी सारी मतलब दवाइयों से वो बलबूते पे वो अपना जीवन यापन करते हैं, तो जो नॉर्मल बेसिकली दवाइयाँ होती है तो वो दवाइयाँ चल रही है, तो उसका फिर वैक्सीन लेने से बहुत ज़्यादा असर होगा, तो वो क्या फिर वो मैं दवाइयाँ बंद कर दूंगा तो फिर मैं कैसे जीऊँगा, इस तरह का नॉर्मल ये होता है। तो ये केस को आप किस तरह से मतलब लोगों को मार्गदर्शित करेंगे कि आपकी जो नॉर्मल ब्लड शुगर है या जो नॉर्मल तरह की जो डिसीजेस है जिसके लिए मतलब रेगुलर ओल्ड एज लोगों को दवाइयाँ लेनी पड़ती है, तो उस केस में भी वो लोग आगे पीछे देखते हैं वैक्सीन लेने के लिए, उस केस में क्या करना चाहिए? तो एक बात ध्यान में रखना है, हमें कोई भी रेगुलर जो दवा है वो बंद नहीं करनी है, क्योंकि उसका कोई वैक्सीन से संबंध है ही नहीं। वैक्सीन आपका डायबिटीज खराब कर देता है, ऐसी कोई इसका कोई आधार नहीं है। तो आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट या दमे की आपको अस्थमा की बीमारी हो, ये सब आप कंटिन्यू रखिए, और अगर ये सब स्टेबल है, कुछ ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर कुछ ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर आप पहले ब्लड प्रेशर ठीक करा लीजिए डॉक्टर से, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसका कंट्रोल करा लीजिए, और उसके साथ वैक्सीन भी ले लीजिए। वैक्सीन के लिए देरी मत करिए, क्योंकि वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करेगा। आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, तो आप अगर इस हालात में कोविड हो जाएगा तो आप हाई रिस्क है, तो इससे सबसे पहले आप क्या करना है, तो आप वैक्सीन ले लीजिए। 1-2 दिन उसकी तकलीफ होगी, उससे बाहर आ जाएंगे, और कुछ लोगों को तो कुछ भी तकलीफ नहीं होती है, तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वैक्सीन लेने के बाद अगर किसी को बुखार आ जाता है, सिर दर्द, बदरदन होता है, तो बस एक पैरासीटामोल या ब्रूफेन की गोली जो आपको चलती है वो लीजिए, आराम कीजिए, बस इतना ही करना है हमें, और कुछ नहीं करना है।
और रेगुलर दवा लेते रहना है, ये सबको लेना है। और आजकल तो यहाँ पर इंग्लैंड में जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो उनको भी वैक्सीन दिया जा रहा है, और जो बच्चे बच्चे को दूध पिलाने वाली माता है उनको भी वैक्सीन दिया जा रहा है, क्योंकि ये इतना कोविड चल रहा है, और अगर हमें कोविड हो जाता है तो हमारी रिस्क ज़्यादा है। तो ये रिस्क अगर कम करना है तो थोड़ी बहुत जो कोरोना की वैक्सीन की तकलीफ है उसको हमें सहना होगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा। जो श्योर ये अलग अलग जो वैक्सीन मार्केट में आए हैं, जो भी वैक्सीन आपको मिल सकता है अभी वो ले लीजिए। अगर आपको चॉइस है कि ये भी वैक्सीन है ये भी है, तो फिर वो आप डिसाइड करिए कि मैं फ्री वाला लूँ या पैसे देकर वो फॉरेन वाला लूँ, वो अलग अलग है। लेकिन सबका काम एक ही है, ये आपको प्रोटेक्शन देते हैं। इंडिया में बिल्कुल जो भी वैक्सीन दिए जा रहे हैं या अप्रूव हो रहे हैं, ये सब टेस्टेड है और ये प्रोटेक्शन देते हैं, सेफ भी है। तो कोई भी ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर ये जो आज के इस कार्यक्रम में आपने हमें जानकारी दी है, हमारे दर्शक इससे लगभग सही दिशा में उसको लेंगे और इस जानकारी को अपने तक ही नहीं रखे रहते हुए वो अपने साथी रिश्तेदारों में और फैमिलीज में मतलब तो जहाँ तक भी हो सके, ताकि ये जो भय है वो भय का वातावरण हम कम करने में अगर सक्सेस होते हैं तो निश्चित तौर पर ये कोरोना पर हम बात कर सकते हैं। सर, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप इस फील्ड में है, मतलब जब ये कोरोना का दौर शुरू हुआ उससे लेके आज, मतलब आपने उसको मतलब कंट्रोल भी करा लिया, आप उस परिस्थिति से भी गुजरे, तो आपका ये जो ओवरऑल सफर रहा है पिछले 1.5-2 साल का इस पर्टिकुलर कोरोना संक्रमण को लेके, तो इन पूरे अनुभव से आप एक कंक्लूडिंग मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये तो बड़ा महत्वपूर्ण सफ़र रहा है। ऐसे जो डिज़ास्टर होते हैं ये सबके लाइफ में इतने बड़े पैमाने पर नहीं आते हैं, और उस हिसाब से हमारी जो जनरेशन है ये अनलकी है और लकी भी है कि हम इस अनुभव से गुजर रहे हैं। इसके जो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और जो शारीरिक जो परिणाम और दुष्परिणाम है इनमें से हम गुजर रहे हैं, यह हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। लास्ट ईयर जब जनवरी में हमें पता चला था कि ऐसा कोविड चाइना में डिटेक्ट हो गया है और ये अब फैलने वाला है दुनिया में, तो उसी वक्त हमारी मीटिंगें शुरू हो गई थी इधर हॉस्पिटल्स में, और हमें बताना शुरू हो गया था कि ये अगस्त तक पूरे दुनिया में फैल जाएगा, ये पिछले साल की बात है। तो वो सही था, वो पिछले साल फैल गया काफ़ी सारे देशों में। और ये शुरू में हम जब पेशेंट्स को चेक करते थे कोरोना क्या होता है, हमको भी नहीं मालूम था, सिर्फ सुना था, तो हमें भी बड़ी एंजाइटी रहती थी। पेशेंट के क्यूबिकल में जाना, कोरोना के आईसीयू में एंट्री करना, हर बात का एक डर डर रहता था। लेकिन एक 2-3 दिन में वो डर चला गया और फिर काफ़ी हम कंफर्टेबल हो गए। पेशेंट्स को मैनेज करने में शुरू में तकलीफ होती थी कि इसको करना क्या है, क्योंकि ये पेशेंट्स अलग तरीके के होते थे। नॉर्मल आईसीयू के पेशेंट जब एआरडीएस में आते हैं तो उनका वेंटिलेटर जो हम लगाते हैं, उनको मशीन्स लगाते हैं, ये अलग होता है। इनका कुछ अलग ही आता था, ट्रीटमेंट क्या देना है कुछ भी नहीं मालूम था। तो ये सिर्फ ट्रायल एंड एरर शुरू शुरू हो गया, फिर अलग अलग रिसर्च ट्रायल्स आना शुरू हो गए, तो उससे नॉलेज बढ़ता गया। और अब तो इस हालात में हम लोग साल भर गुजर गया है, कोई भी कोविड का पेशेंट आता है तो डर नहीं लगता है, हमको समझ जाता है ये किस दिशा में जाने वाला है, इसको क्या करना है। और सेकेंड वेव भी अब कंट्रोल हो गई है, वैक्सीनेशन हो गया है, तो काफ़ी अब कंट्रोल सा लगता है लाइफ। तो लेकिन एक बात है कि अब ये बोरिंग सा होने लगा है, ये जो रेस्ट्रिक्शंस, कहीं जा नहीं सकते हैं, अगर किसी को मिडल ईस्ट जाना है या यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, तो जा नहीं पा रहे हैं, तो बच्चों को भी ये थोड़ा रेस्ट्रिक्टिंग है, उनका लाइफ काफ़ी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, ये सब तरीके से रेस्ट्रिक्टिंग रहा। ठीक से स्कूल नहीं जा पाए वो लोग, ठीक से खेल नहीं पाए, उनके फुटबॉल बंद हो गए या बाकी जो इंडोर गेम्स है, स्विमिंग बंद हो गए, तो उनके लिए भी एक फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जैसे है। तो उनके साथ भी थोड़ा सा बात करना, उनको नेचर में ले जाना, ऐसी चीज़ें हम कर रहे हैं यहाँ पर, जितना उनको एंटरटेन कर सकते हैं, खुश रख सकते हैं उतना कर रहे हैं। और उसके बावजूद मैं वीडियोस बनाकर लोगों को एक सिंपल सी भाषा में कोविड के बारे में बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो ये भी एक अच्छा सफ़र रहा है। अगर मेरा पर्सनल अगर आप पूछेंगे पर्सनल लेवल में, तो इट हैज़ बिन एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, उनको सिखाना नई नई चीज़ें, साइंस का एविडेंस बताना, और सामाजिक स्तर पर मैं काफ़ी खुश हूँ। सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जो स्तर है, इसमें
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इसमें से गुजर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं खुश हूँ कि लोगों के हाल हो रहे हैं और लोग बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं, ये तो बड़ी दुख की बात है जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट जो आ गया, जिस तरीके से ये हमारे जो खास करके बहुजन लोग, अमीर जो अभिजन जो होते हैं, उनकी अंधश्रद्धा से उनकी जाने नहीं जाती है, उनकी संपत्ति नहीं लुटती है, उनके बिजनेस नहीं जाते हैं, लेकिन बहुजन की अंधश्रद्धा से बहुजनों की जाने जाती है, जिंदगियां खराब होती है, हमारे संसार खराब हो जाते हैं, हमारे बिजनेस लूट जाते हैं, हमारे जॉब चले जाते हैं और हमारा जीवन का स्तर एकदम निचला रहता है। और मैं आशा करता हूँ कि ये कोरोना ने बहुजनों की आंखें खोल दी होगी, जो मंदिर कर्मकांड ये ब्राह्मणवाद पुरोहितवाद इसमें अभी भी अटके हुए हैं, अभी भी इनकी आंखें नहीं खुली थी। मैं आशा करता हूँ कि ये सब हमारी आंखें खोल देगा। क्या क्या कर्मकांड हम करते हैं, कोई मर जाता है तो उसके बाद में क्या क्या 13वीं चलती है, 10वीं चलती है, पुरोहितों को बुलाकर क्या क्या करते हैं, जो हमारे महापुरुषों ने हमें जो रास्ता दिखाया है, संतों ने, ऋषियों ने, बुद्धों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा फुले ने, इस रास्ते पर, विवेकवाद के रास्ते पर हम चल पाए, ये इस कोरोना के माहौल से होना चाहिए, ये मैं आशा करता हूँ। और मेरी तो आंखें खुल गई है, मेरी तो आंखें पहले ही खुल गई थी जब मैंने फुले शाह अम्बेडकर पढ़े थे, लेकिन कोरोना ने मुझे और भी विवेकवादी और भी साइंटिफिक और जागरूक बना दिया है।